बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुमित के सदक आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो करेक भाई इतराज़ कर रहे थे कि यार आवाज़ आपकी ज़रा ना या ना वो ज़रा ऊँची करो। तब मैं तो इतनी आवाज़ ऊँची नहीं कर सकता हूँ, काफ़ी रीज़न है। आप उसकी ना मोबाइल की आवाज़ या जिस पर देख रहे होते हैं उसके साथ हैंड से लगा कर उसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद कर लिया करें। अब उसके लिए माजरत है कि अभी जो मेरी आवाज़, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम इतनी आवाज़ जो मैं ऊँची बोल सकता हूँ। बस आई डोंट नो कि क्यों ऐसा है, लेकिन है ऐसा ही है। तो अभी आज जो है वो इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि वो जो मेरा कल का वॉकर आया हुआ है उसमें वॉक भी करनी है। और अभी सहरी कर ली है तो अभी हम जो खा लेते हैं मेडिसन। तो रही हमारी सहरी तकरीबन 90% कंप्लीट हो गया, 10% बाकी। नहीं, 90 नहीं कह सकते इसको, अबाउट 85%, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम 10% देते हैं अपनी चाय को जो पीनी होती है मैंने। ये वाली चाय, वो गिरने जाना भाई, ये चाय। और अब सवाल ही आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि बाकी का 5% कहाँ गया। तो बाकी का 5% जो है वो होता है कि जब अजान होती है ना, तो अजान से पहले या अजान शुरू होती पानी का थोड़ा सा पी के एक आधा गिलास, तो फिर उसके बाद दुआ करनी होती है, ये बाकी का 5% होता है। बिस्मिल्लाह गर्म, एक्चुअली टेक टाइम। वैसे मैं चाय पीते पीते आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था जो प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने दिए, काफ़ी मज़ा मजा ये कमेंट्स अभी तक जितने भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अजान शुरू हो गई, अब ज़बरदस्ती पीना है इससे अभी। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, दुआ क्या थी। हाँ याद आ गई, ये होगी जनाब हमारी आज की इफ्तारी और अजान जो है वो होगी। तो जल्द से जल्द इफ्तारी कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। और मैं बता रहा था कि हम लोग जो है वो बाहर जाने का इरादा था आज कि जाके तो मतलब प्रैक्टिस करेंगे वॉक पे चलने की, लेकिन जब जिसमें तो जो शेड्यूल प्लान किया हुआ था उस टाइम पे बहसमत चले के बाहर कुछ टाइम बाद जो है वो मैस हो गया। तो अभी अफ्तार के करीब जो है वो मैं उठा हूँ, तो अभी बस अब अफ्तारी की जल्दी थी, अफ्तारी की है तो अब ज़रा बाहर नहीं जा सकते इंशाल्लाह। सो कल जो है ना वो कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में जो है ना बाहर चक्कर लगाया जाए और वॉक करने की प्रैक्टिस जो है ना वो की जाए। और इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहता है इसको, मतलब वॉक के साथ बाहर वॉक करने जी। आज जो है वो सेकंड के डे का तकरीबन के सेम वीडियो का सेकंड डे, और सेकंड डे का भी तकरीबन 4 बज चुके हैं। सुबह से बस वेट करते करते, पहले मैं वेट कर रहा था कि कासिम उठ जाए, पहले कासिम सोया हुआ था, फिर बाद में बिजनेस हो गई, उसके बाद मैस हो गया। और अभी जो अगर मैंने ज़बरदस्ती उठाया आपको से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अभी वो कोशिश करते हैं चलने की वॉकर के साथ, तो मजबूत जी वॉकर लेके आए। फिर अब इन्होंने जो मुझे बाहर गिराज में ले आए हैं, हमने सोचा खुली जगह मिल जाए सुबह चलने फिरने, कमरे में तो कंजेस्टेड है ना, यहाँ पे भाग दौड़ ले गया ज़रा। सुबह ड्राइविंग करने के लिए पहले जब वो खुला एरिया देखा जाता है कि जहाँ पे जो है वो अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाए, इधर उधर हो जाए बंदा, तो जब वो जा किसी दूसरी गाड़ी में ना लग जाए। इस साइज को खोल के और तो पेच जो है इसको लॉक कर दीजिए। तो ये तो ये हमारा वॉकर हो गया रेडी। और अभी जब वो नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं फिर जब वॉकर ट्राई करते हैं, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है वॉकर के साथ चलने का। और वेरी एक्साइटेड और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि पता नहीं कैसा रहता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
बस इतना सही जो काम था वो स्लो है, बाकी आप देखिएगा सर की स्पीड है। असल पहले लेट के रेस्ट कर रहा था और आप बैठ के रेस्ट कर रहा है, इतनी रेस्ट के बाद जब वो खड़ा होगा तो अंदाजा लगा सकते हैं उसकी स्पीड इंशाल्लाह। असल पूरा वो क्या कहते हैं पूरा उसमें आ जा अपनी स्पीड दिखाने के लिए भागने की मतलब ये मौके के साथ यहाँ पे वो नारे होने चाहिए असद 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 असद। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जैसे हवा भर के गुब्बारे में जो है अचानक से छोड़ा जाता है ना, तो वो वाला सिस्टम होगा उसको खड़ा करेंगे तो उसे शूम करके वापस भी गिर जाता है। अपनी टांगों के और साथ में किराए की जो है तीन चार मंथ के बाद जितने इम्प्रूवमेंट आए हम जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा और बेइज्जत और कसम जब मैंने अगर अपने पास ही खड़ा रहने दिए मैं कि कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम आएगी तो वो जो है वो हेल्प आउट कर लेंगे आपको और और इसके अलावा जो है वो भी पैर जो था वो मुझे ज़रा घसीट के चलना पड़ा, उठाते जो है वो ज़रा दर्द हो रहा है, घसीट के चलना पड़ेगा परेशानी होगी फिलहाल, अभी जो वो ज़रा उठाते दर्द हो रहा था तो इसलिए इस तरह से चलना पड़ा। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग वेरी एक्साइटेड, दिल कर रहा है कि जाओ बाहर के चक्कर लगा के आऊँ। चलो नहीं दरवाजे में इसीलिए है बाहर खतरा है डेंजर है डेंजर है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा और आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जल्दी ऐसा वक्त आए कि बग़ैर सहारे के जो मैं चलना शुरू कर दो और इस सिलसिले में काफ़ी शिद्दत से मुझे इंतज़ार है। मुझे थोड़ा चल के आप आए ना इस साइड पे जरा व्यूअर्स को चल के दिखाएं इस तरह ये सचिव तो उसमें इसको इसको यूज़ करने का भी काफ़ी सारा आइडिया था वो मुझे कमेंट से हुआ था, काफ़ी सारे दोस्तों मुझे तरीका बताया कि इसको जो वो चलने के लिए बैलेंस काफ़ी मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके अलावा छोटे छोटे स्टेप लें और इस तरह से जो काफ़ी मुझे आइडिया हो गया था कि इसको किस तरह चलना है, इसलिए मुझे काफ़ी जो आसानी हुई है इसको यूज़ करने के। छोटा सा स्टेप फिर ऐसे आगे पैर फिर दूसरा पैर की सीट के साथ फिर इसको आगे उठाओ थोड़ा सा आगे रखो फिर ऐसे और फिर ऐसे इनकी तकरीबन ये इसका पैटर्न था। आज काफ़ी सब दरवाज़ा खोलो इधर बाहर का व्यू चेक करें आज तो चल चल वापस इधर आ जाओ
उधर नहीं जाना, इधर आ जाओ, बस यहीं तक थी मांगी सर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब उधर दरवाजे तक कसम कर आज कंप्लीट कर चुके हैं। बाहर का माहौल जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, फिर हम चलते हैं बाहर। ऐसे एक चीज़ की दिक्कत है कि इसके जो है वो चार पाए होते हैं, तो चारों के चारों नीचे लगे हों तब इस पर हम वज़न डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पे वज़न नहीं डाल सकते। वो टूटने का खर्चा होगा, टूट गया या कुछ भी अनबैलेंस हो गया तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर इसकी स्ट्रेस नहीं उठा रहे हैं। अगर हम मतलब इसको सीढ़ी पर रखते हैं, मैं पहले एडजस्ट करूँ, अगर इसको इस तरह लगता है सीढ़ी पे तो ये इस तरह से होगा, वो खतरा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अनबैलेंस हो जाए और ये टूटा तो हम भी गिर जाएंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं उठा रहे। तो जी ये रहा हमारा गली का माहौल। और सफीउल्ला अंदर मुंह भी नहीं धोया, आज अंदर शाबाश। सफीउल्ला सफीउल्ला आज अंदर। और यहाँ पे खड़े खड़े जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब ऐसे जैसे वो ब्लड लेवल लो हो रहा होता है, और उसके अलावा पैरों में जो है वो ब्लड लेवल नहीं ब्लड प्रेशर होता है, पता नहीं कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब आंखें आहिस्ता आहिस्ता धुंधे आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता धुंधला हो रहा है। तो मेरा ख्याल अभी जाके बैठते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, शायद रोज़ा भी रखा हुआ और वीकनेस तो शायद हो गई हो, पता नहीं आ नहीं हो। तो अभी जब वो जाके बैठते हैं, इससे पहले कि मुझे लंबे टाइम के लिए ज़्यादा टाइम के लिए बैठना पड़ जाए, क्योंकि दर्द वगैरह ना शुरू हो जाए, तो जल्दी से जाके जब बैठ जाते हैं। दरवाजा बंद कर दे। आवाज नहीं। और अभी जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। जल्दी करो। जैसे पैर जो है वो सही सुरख हो गए ना, जैसे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ये देखिए ये हालत हो गई इसकी पैर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, सेफ एंड साउंड भी रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है चलने में तो बता दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा किस तरह से जो है वो हम ज़्यादा इजीली और ज़्यादा सेफ जो है वो चल सकते हैं।